नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता सारे अच्छे होंगे। साइड अंबुजा बस्ती और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड आईडी 9840। अभी मैं खड़ा हूँ जस्ट तिरुपति बालाजी मंदिर के जस्ट सामने। एंड कैसे आना है, कहाँ से कौन सी बस है, कैसे टिकट लेनी है आपको, कैसे लॉकर मिलेगा, जैसा मेरा बिल्कुल सारा कुछ फ्री में हुआ है, सारा कुछ XYZ, तो वो सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी मिस मत करना, वरना काफ़ी कुछ आप लोग मिस कर दोगे। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जय श्री राम। आप अपने किसी भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट आपको तिरुपति की बस मिल जाएगी। अगर बेंगलोर से आ रहे हो तो आपको डायरेक्ट तिरुपति की बस मिल जाएगी, और ट्रेन भी नियर बाय रेलवे स्टेशन अगर आपके पास है और रेलवे बस स्टैंड है तो ट्रेन भी आपको डायरेक्ट तिरुपति के लिए मिल जाएगी, और जो बस जाएगी वो तिरुमाला के लिए जाएगी। सनातन धर्म में प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है। मान्यता यह है कि इस मंदिर के दर्शन से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऑल राइट पीपल, तो भाई अपना जल्दी से कर लेते हैं पैकिंग, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ इस बार मेरी जो दिवाली है ना वो पिछली दिवाली की तरह जाए। तो इस बार हमने करा है कुछ बहुत ही अच्छा सा प्लान, जैसा कि आपको बता देते हैं। तो समझ तो गए होगे आप लोग हम कहाँ जा रहे हैं। कल है दिवाली, पिछली दिवाली मेरा क्या हुआ था, रूम पे पड़े पड़े गया था भाई, बहुत ही बुरा लगा था। कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बट इस दिवाली ऐसा नहीं होने वाला है बिल्कुल, क्योंकि इस दिवाली तुम्हारा भाई जा रहा है ट्रिप घूमने, मौज करने। लोअर ओवर करते हैं पैक, जो पहन के जाना है वो रखते हैं, एंड ये लो। तो भाई साहब, वेयर इज माई लोअर, दिस इज माई लोअर ऑन द टोवर। तो भाई मिलते फिर आपसे, क्योंकि अभी थोड़ा सा पैकिंग करना, क्योंकि मैं कि मेरी बस है, एंड बाकी सारा का मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं जल्दी जल्दी से तैयार होकर फिर निकलता हूँ। तो अभी अपन निकलते हैं भाई, ये अपनी धन्नो किसी से कहते हैं छोड़ के आओ, फिर चलते हैं इससे, चलते हैं भाई बिना किसी देरी के। जल्दी से पैकिंग वैकिंग करके हम पहुंच जाते हैं बस स्टैंड। काफ़ी देर वेट करने के बाद बस मिलती है। बस ऐसी मिलती है जैसा आप देख रहे हो, बैठने की जगह नहीं, बैग भी अपने पैर पे रखना पड़ा, पैर भी सीधे नहीं हो पा रहे। बट इतनी मुसीबतों में लोग सामने मूवी का इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि कन्नड़ में चल रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने अपने एयरफोन लगाए और चुपचाप बैठ गया। 4-5 घंटे सफ़र करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए तिरुमाला बस स्टैंड। इतना तुम लोग मतलब बाहरी बंदे हो, ऐसे करते हो। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे तिरुमाला बस स्टैंड पहुँच गए थे। अब यहाँ से बालाजी बस स्टैंड जा रहे हैं, यहाँ से है 7 किलोमीटर। भैया ने लिए हैं 160, एंड मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं पता है। ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे टिकट मिल जाएगी, अगर वहाँ पे टिकट मिल जाती है तो थोड़ा सा बेस्ट रहेगा, वरना फिर देखते हैं जैसा होगा जो भी स्ट्रगल होगा। मैंने ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करी थी, और जो पूछा था मैंने पूछा किसी भी नहीं था, जैसे सर जो लोग आ चुके हैं उन्होंने बताया कि ऐसा से कर सकते हो, बट वो मेरे को यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी। तो मैं अभी चलता हूँ बालाजी बस स्टैंड, वहाँ पे देखता हूँ टिकट विकेट का क्या सीन, अगर टिकट मिल जाती है तो और ही बेस्ट रहेगा। बाकी मिलते हैं। तो भाई इधर अभी पहुँच चुके हैं, ये लोग कह रहे हैं कि यहीं से भी टिकट मिलेगी, तो देखते हैं भाई यहाँ से कहाँ मिलेगी। एंड सबसे बड़ी बात पता क्या है, मेरे को यहाँ का कुछ नहीं पता है, ना मेरे पास कोई टिकट है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना कुछ है। देख रहे हो अनप्लान ट्रिप है मेरी, ये कैसी जाती है, बस बाबा के दर्शन हो जाए, एक दो दिन जितने दिन में हो जाए दर्शन होने चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ से टिकट विकेट होगी, चेक करते हैं जैसे पता करते हैं यहाँ से भैया से। लोग यार तो मैं लेट हो रहा हूँ, मतलब चलते हैं ब्रो। ये टिकट की लाइन है और यहाँ लग के मुझे टिकट लेनी है, ये तो काफी क्रेजी होने वाला है भाई। बैंड बजी आज तो
पे काफ़ी लंबी लाइन होने वाली है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चक्कर लगाने हैं। मुझे लगता है यहीं पे एक दो तीन किलोमीटर घुमा देंगे, घुमा के देखते कितने देर में टिकट मिलती है। ये तो टिकट की लाइन है, फिर मंदिर की लाइन क्या होगी। Few moments later. उसका क्या सीन है, जो लास्ट टोकन नंबर चल रहा है ये 4 PM का स्लॉट है, उसके बाद ही सारे स्लॉट है। आई थिंक अपन को 4 PM वाला मिल जाए, आज 12 नंबर है नहा के। ये चेक करो भाई, जब अपन लाइन में लगे थे तो 4 PM वाला टोकन मिलना था, लेकिन फाइनली गॉट इट, 5 PM का स्लॉट मिला है। अब चलते हैं, देखते हैं जैसा होता है वैसा आपको बताते हैं। तो भाई अब काउंटर की भी उसकी टिकट लेने जा रहे हैं, बाकी होता जैसा वैसा बताते हैं आपको। मैम एक टिकट 10 रुपये लेकर नहीं मैम, चेंज नहीं है तो यहाँ पे, हाँ कोई नहीं यहाँ पे 10 रुपये चेंज नहीं है। थैंक यू, वेलकम। ये 160 की टिकट है भाई, एंड ये 160 टिकट, ये दोनों साइड की दी है, दोनों साइड के लिए, बाकी ये अपनी बस में चलते हैं भाई। ये तिरुमाला बस स्टैंड से हमें ऊपर टेंपल के लिए बस की टिकट लेनी पड़ती है। यहाँ से बस क्या होता है कि आप दोनों साइड की टिकट ले लो, इधर से चले जाओ, उधर से 24 घंटे का टाइम होता है, उसमें से आप कोई भी बस पकड़ के आ सकते हो वापस यहीं पे फिर से। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें मिलता है कि ये चेक पॉइंट, दिस इज वन, जहाँ पे हमारी पूरी चेकिंग होती है। और कोशिश करना आप लोग भी कुछ भी ऊपर गंदगी ना ले जाओ, लाइक बोतल हो कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी मत फेंको, क्योंकि वहाँ पे ऊपर बहुत ही सफाई होती है। यहाँ पे बस रुकी है टोटल चेकिंग करने के लिए, सारी लगेज की चेकिंग होगी यहाँ पे, ये चेक कर सकते हो आप लोग। अब बैग चेक करा के फिर मिलते हैं आपसे। सारी टोटल चेकिंग हो रही है, सारी बसों की चेकिंग होती है यहाँ पे। ये अपने सामने बस है और अपनी चेकिंग हो चुकी है पूरी, अब यहाँ से चलना है आगे, आगे का जैसा होता है वैसा आपको बताते हैं। एंड इसके बाद सुबह ठंडी ठंडी हवाओं के मज़े लेते हुए अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे ट्रैवलिंग करने के बाद हम पहुँच जाते हैं तो फाइनली हम लोग बस स्टैंड पर। ये लास्ट बस स्टैंड है, ऊपर जो ऊपर आने के बाद अंकल मिले। अंकल आप क्या बोल रहे थे, आप बता दो क्या क्या है। पहले कुछ भी नहीं, पहले 2 नंबर में जाओ, हाँ। भगवान का सामने पोटे जूते पच्ची ले आओ, नहा धो ले आओ, सामान चप्पल लाकर में डालो, ला करो, ओके। दर्शन में जाओ, दर्शन करो, लड्डू ले आओ, फिर खाना खाओ, वो भगवान का फोटो ले लो, अपना लड्डू लेके फोटो लेके गांव जाओ, ओके। तो अंकल ले रहे हैं गाइड के 50 रुपए, क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ तो थोड़ा मेरे को भी हेल्प हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज़ में, तो मेरे लिए बेस्ट हो जाएगा तिरुमला में, और ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही बेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे को पहले फोटो खिंचा लूँ तब नहाऊँ, पहले फोटो खींचना, नहाना धोना, ओके। फिर मंदिर में जाना, दर्शन करके लड्डू लेके वो भगवान का फोटो लेके, ओके। अब बाल काटना तो मालूम पड़ते है, बाल नहीं करते ना, नहीं बाल नेक्स्ट टाइम कटाएंगे, नहीं नहीं उसके लिए भगवान का प्रसाद बोल के भगवान फोटो लड्डू लेके जाते गाँव, ओके कोई नहीं। ये आप चेक कर सकते हो सारे ढाबा वगैरह हैं, रास्ता, तो पहले अपन चलते हैं नहा धो के, नाश्ता वास्ता तभी करेंगे, मैं दर्शन करके ही फिर खाएंगे पिएंगे जो भी है, क्योंकि भी टाइम हो चुका है। ये इधर आ चुके हैं भाई, जो अंकल मिले थे ना बोले बहुत तेज, वो पता क्यों आ रहे थे, मैं सोचा 50 रुपये में गाइड कैसे मिल रहा है, वो मेरे 240 का चूना लगवा रहे थे, कहते वो स्टूडियो में तुम्हारी फ़ोटो खिंचवाएंगे, उसके बाद नहा धो के दर्शन करके आना, और उसके बाद फिर वो हो जाएगा, आपको फ़ोटो मिल जाएगी। मैं क्या फ़ोटो मेरे को खिंचानी नहीं है, जैसे मैंने बोला तो रिटर्न। तो भाई बी अवेयर इन सब चीज़ों से, मंदिर नहीं 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 अभी आया हूँ, ये चेक कर सकते हो भाई पूरी लाइन जा रही है, अभी मैं पता करता हूँ नहाना कहाँ है, किसी से पूछता हूँ यार। Few moments later. काफी परेशान होने के बाद मुझे ये अंकल मिलते हैं जो मुझे भगवान के रूप में मिल जाते हैं।
सारा कुछ चाहिए, सारा ट्रस्ट चाहिए, सारा ट्रस्ट का पूरा बालाजी का, सारा बालाजी का, सारा बालाजी का। अच्छा यही ट्रस्ट ही है। इधर भी एक लाल बस फिरते रहा था, देखो इधर बस स्टैंड में भी इधर उधर जाना बोले तो फ्री। अच्छा हाँ, अब जाके ला कर लेके हाँ। वहाँ से आधार ले आया, आधार कार्ड, आधार कार्ड है, हाँ। है? हाँ। और लाकर देते आधार लेके, लाकर ले लो, लाकर में रख लेके नाम करके। अब कैसे आया था इधर, उधर सीधा जाके लेफ्ट में मुड़ना भगवान के पास जाते। लॉकर में जा रहे हो आप? लॉकर में जा रहे हैं? हाँ लॉकर में मिशन हो गया आपके। हाँ सुबह कितने बजे लगे थे? टोकन लाया डाल के आया था मैं, नीचे टोकन डाल के, नीचे टोकन मैं लेके आया हूँ। खाना लाया था भी उस पर कुछ भी नहीं पड़ा पड़ता। अब तो बहुत रश्मि भीड़ भी बहुत नहीं है, बहुत पहले जैसे मैं जर्नल वाले में लग जाऊँ। आप तो जर्नल में लेते भी 3 से 4 घंटे में हो जाता, हो जाएंगे, हो जाएगा। रेलवे स्टेशन चप्पल मत लेके जाना उधर, नहीं सारा कुछ यहीं रख के जाएंगे। ऑल राइट right. तो ये भाई ट्रस्ट की तरफ से लॉकर है। ऑल राइट right, तो 1141 अपन को लॉकर मिल चुका है। 1141 ओके अपन को लॉकर मिल चुका है। यहाँ पे 3 हॉल है, ये सारा ट्रस्ट की तरफ से ही है। लॉकर में रख के नहा धोके फिर मिलते हैं आपको एकदम रेडी होके। फ्यू मोमेंट्स लेटर Few moments later. All right people. अभी का सीन भाई कुछ ऐसा है, दर्शन करने हम लोगों ने एंट्री की थी 7 बजे और 3 बजे हम लोग अपनी जहाँ पे लॉकर ले रखा था वहाँ पे आ चुके हैं। एंड अब चाबी जमा करके फिर चलते हैं, फोटो वोटो खिंचाएं चल के फिर वहाँ पे अच्छे से घूमें, क्योंकि अभी मैं सीधे मंदिर से दर्शन करके और प्रसाद लेके सीधे यहीं पे आ गया। ये जमा करके फिर चलते हैं। लेट्स गो। ये देख सकते हो भाई पूरा हॉल है, यहाँ पे आप आराम से रेस्ट भी कर सकते हो। ये लॉकर सारा कुछ ट्रस्ट की तरफ से है, फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। हमारा भाई थोड़ा सा स्मार्ट बन जाता है, ठीक है चश्मा लगा लेता हूँ। हाँ अब बात करते हैं, ये आप देख सकते हो CRO करके ट्रस्ट है, ये मतलब टोटल जो भी है सारा उन्हीं का है, ये मंदिर का ट्रस्ट। एंड अभी चलते हैं कुछ नाश्ता वास्ता करके निकलते हैं फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि भाई भूख लगी, कल लंच के बाद से कुछ नहीं खाया है, बस थोड़ी सी नमकीन खाई थी। देख लो भाई ये चाउमीन कितनी मस्त है भाई, जैसे मैगी खाई है ना मेरे को ही पता है क्या क्या टेस्ट था। वाह भाई ऐसी मैगी लाइफ की मेरी पहली चाउमीन थी लाइफ की मेरी, इतनी टेस्टी देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितनी थी। ये चक्कर था सुबह जब अपन आए थे तो इतना ज़्यादा रस नहीं था, मतलब बहुत नॉर्मल था, बट नाउ चेक करो क्या रस हो गया भाई। मैं सुबह जब प्रसाद वाली लाइन में गया तो वहाँ पे कुछ था ही नहीं तब, लेकिन प्रसाद ले नहीं सकते थे, दर्शन नहीं करे थे। बाद में जब गया देखा भाई साहब क्या तगड़ी भीड़ थी, मिल ही नहीं पाया प्रसाद, वो तो मैंने किसी और को देखे। एक मैम थी उनको मैंने पैसे दे दिए, वो लाइन में लग रखी थी, उनको मैंने ना शीटिंग करके अपनी लाइन में एंट्री कराई और मेरी लाइन के लड्डू सारे ख़त्म हो गए, फिर मैंने उनको दे दिए पैसे, तो उन्होंने मेरे वो मेरे 2 लड्डू ले गए फ्री वाले, जो पैसे वाले हैं वो बस मुझे मिले हैं। ये चेक करो आप लोग, अब फोटो वोटो शूट करते हैं। ये पता क्या जो मेन वो आगे ना आपको बस स्टैंड से उतार देंगे जैसे मैंने आपको बताया था, और वहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है सामने, आपको ये लॉकर मिल जाएंगे, जस्ट ट्रस्ट के ही हैं सारे। चलो फिर मिलते हैं, फोटो वोटो खिंचाते हैं। ये मैंने मॉर्निंग में दिखाया था, इधर से हम लोग आए थे और इधर सामने ट्रस्ट का जो वो लॉकर वगैरह, और यहाँ से ये एंट्री है मंदिर के दर्शन के लिए। यहाँ से सुबह गए थे शायद मैंने दिखा पाया नहीं दिखा पाया मेरे को याद नहीं, तो मैंने सोचा दोबारा से शूट कर लेता हूँ दिखा देता हूँ। ये यहाँ से नहीं यहाँ पे नहीं दिखा पाया था क्योंकि सुबह सारा कुछ लॉकर में रख के और फिर मंदिर गए थे। तो ये आपको देख चेक करो, ये यहाँ से एंट्री है, ये लेफ्ट यहाँ से ले लेना है। मॉर्निंग में जब अपन लोग आए थे तो भाई बिल्कुल रश नहीं था, अभी देखो कितना हार्ड हो चुका है। ये सारी शॉप वगैरह अगर कुछ लेना वेना है तो यहाँ का, एंड सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ देखो सफाई कितनी हो रखी है भाई, लिटरली
कहीं भी आपको कहीं 1% गंदगी नहीं दिखेगी, कहीं पे भी देख लो आप एकदम नीट एंड क्लीन। मतलब ये जहाँ से आप नीचे से तुरमारा जो बस स्टैंड है वहाँ से ऊपर आओगे ना, उसके बाद से ही ऐसा है कि कहीं पे भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी, एकदम क्लियर। राइट साइड दिख रहा है आपको, कॉर्नर में होगा, आगे से जाके घूम के जाना पड़ता है, वो है वृहास्वामी टेम्पल। ये जो पहाड़ी है पूरी पहले वृहास्वामी की थी, उसके बाद वेंकटेश्वर स्वामी की हुई है। आप जब जाओगे ना यहाँ से घूम के, वहाँ से आगे से एक एंट्री आपको सीधा चले जाना है राइट लेफ्ट साइड, हाँ यहीं से जाना है नीचे होके। भोजन का किधर है? भोजन का वो राइट साइड है, जो वो बीच में आपको मिलेगा एक, वहाँ से राइट जाओगे ना आप, आगे है भोजन का, वहाँ पे सारा भोजन मिल जाएगा। ओके मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है, तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ही रे साथ है, मीरा का तू भजन भजते हरी पवन, तुलसी में लिखी ये बात है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवा सुबह सुरत अजर बिहारी। ऑल राइट, तो भाई यहाँ से ना वो जो ऊपर नारियल फोड़े जा रहे हैं वो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो, यहीं पे फोड़ सकते हो। अब मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ से एग्ज़िट होता है ना अपना, जहाँ से अपना एग्ज़िट होता है वहाँ से प्रसाद के लिए किस साइड से जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मेरी दिक्कत हुई, क्योंकि मेरे को जो अंकल मिले थे ना जो वीडियो में थे, उन्होंने लिटरली यार सब कुछ बता दिया, मतलब वो मेरी वजह से 3 से 4 किलोमीटर पैदल चले, मेरी वजह से ओनली, मेरे को पूरा एक कदम बताया कि इधर से आना, तो मेरे लिए वो बहुत ही आसान हो गया था। बट मुझे पता अगर वो ना मिलते तो ना मैं इतनी जल्दी लॉकर ढूंढ पाता अच्छे से, और ना इतनी अच्छे से दर्शन कर पाता, मैं पता नहीं कहाँ भी भटक रहा होता। बट उनकी वजह से काफ़ी हेल्पफुल हो गया मैं, तो अभी मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ से एग्ज़िट होगा आपका दर्शन करने के बाद, उसके बाद फिर आपको प्रसाद कहाँ से मिलेगा। ये चेक करो, ये ना मंदिर का एग्ज़िट है, मतलब आप कहीं से भी एंट्री करो, दर्शन करने के बाद आपका एग्ज़िट यही रहेगा। ओके, ये देख सकते हो आप लोग, ये सारे लोग निकल रहे हैं ना एग्ज़िट। ओके, जैसे आप एग्ज़िट लोगे, यहाँ से बिल्कुल सामने ही चल देना है इस साइड, जिधर से मैं आया उधर से एग्ज़िट मतलब बाहर की ओर था, ये है मंदिर से, जैसे आप बाहर निकलोगे तुरंत आपको इधर सामने चल देना है, और आगे जाके राइट में प्रसाद हो। ये वो सरोवर है जहाँ पे वेंकटेश स्वामी नहाते हैं, एंड सामने वो जो मंदिर देख रहे हो ना आप, ये है वरना स्वामी टेम्पल। यहाँ पे माना जाता है, जो अंकल मेरे को मिले थे उन्होंने बताया थे कि अगर वहाँ दर्शन करने जा रहे हो पहले आपको इसके दर्शन करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आपको वहाँ पे दर्शन करने जाने चाहिए अंदर, मतलब सबसे पहले आपको वरना स्वामी टेम्पल में दर्शन करना, उसके बाद फिर वेंकटेश स्वामी से टेम्पल में दर्शन करना है। बाई मिस्टेक मैं स्लीपर पहन के आ गया था, इस वजह से मैं रिटर्न आ गया, वरना फिर मैं वहाँ पे आपको जाके दिखा सकता था। यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा सख्त रूल है इसके लिए, तो मिलते हैं फिर आपसे। Few moments later. All right, people. तो अभी अपना नाश्ता आ चुका है, ये आ चुका है चीजी डोसा, पिज़्ज़ा वाली फीलिंग दे रहा भाई, ये तो टेस्ट काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो भाई खाते हैं फिर मिलते हैं, चीजी पिज़्ज़ा टेस्ट बताते हैं कैसा है, टेस्ट तो अच्छा होना चाहिए, देखो एकदम फीलिंग तो भाई पिज़्ज़ा वाली है, लिटरली बिल्कुल वैसे स्लाइस गिर रही हैं। मस्त है यार, तीखा जाता है, बस मिर्चा दबा के पहले। ऑल
राइट पीपल, तो अभी हम लोग दर्शन वर्शन करके सब आ गए थे, यहाँ से बस की टिकट ले ली है जो कि है ये 510 रुपए की टिकट है। बस पकड़ते हैं और दिवाली मनाते हैं रास्ते में बस में बैठे बैठे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलते रहेंगे, और जो भी कमियां आपको लगे वो मैं धीरे धीरे सही करता जाऊंगा, तो बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।